हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आप ठीक होंगे? मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो गया, दस बज गया और अभी जस्ट सारे कामों से फ्री हुई हूँ। और आज मम्मी भी घर पे नहीं थी तो सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। तो मम्मी गए हैं बगीचे हमारे, वहाँ पर मतलब काम करने लगे बगीचे में। आजकल गोबर वगैरह डाल रहे हैं तो मम्मी ऊपर गए, शाम को आएंगे मम्मी वगैरह नीचे। और सुबह मैं नहाई धोई, फ्रेश हुई और कपड़े भी बहुत सारे धोने को थे। पिछले कल हम घूमने गए थे तो वहाँ से आने के बाद कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया, थक गए थे। 12:30 बजे हम लोग घर पहुँचे, उसके बाद रेस्ट किया और शाम के टाइम बस मैंने डिनर बनाया और कुछ भी नहीं किया। और बहुत मज़ा आया हमारे को। तो और मैं वहाँ से कुछ लेके आई हूँ तो मैंने यहाँ पर टेबल पर रखा है, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर से। और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और जो मैं लेके आई हूँ वो दिखा, तो मैं ये लेके आई हूँ और मैंने यहाँ को टेबल पर ऐसे सजा के रखा, मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है। तो आपको मौसम दिखाते हैं, तो चलिए बाहर। तो कुछ इस तरह का आज का मौसम, बहुत तेज़ धूप लगी है, बाहर खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है आजकल। देखिए एवरीवन, तो अभी हम लोग खा रहे हैं पंजाबी तड़का, मैं भी खा रही हूँ और पीछे मुस्कान भी खा रही है, वो फ़ोन चला रही है साथ में, ईयरफोन लगाया है और मस्त पता नहीं क्या मूवी देख रही है कि क्या कर रही है। तो मैं भी खाऊंगी पंजाबी तड़का और एक हमारे पास अंकल चिप्स है। तो आजकल ना मैं यहाँ हॉल में सोई होती हूँ दिन को भी और रात को भी, क्योंकि ऊपरी साइड बहुत गर्मी है, टॉप फ्लोर है ना तो टेरिस गर्म हो जाता है धूप की वजह से, तो वहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, उबाल लगता है उबाल। तो मैं यहाँ पर सोई होती हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा ठंडा ठंडा सा है। तो यहाँ पर तो मैंने रजाई और कंबल दो दो डाली होती, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ठंड लगती है, मतलब ठीक है। यहाँ पर निचली साइड, निचला वाला जो हमारा फ्लोर है ना वो ठंडा है और जो ऊपर वाला वो बहुत गर्म है। तो मैं आजकल यहीं पर सोई होती हूँ, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं भी और अब आपको मिलते हैं बाद में। और आज अबू भी आने वाला है घर, क्योंकि कल है उसको छुट्टी है, कल संडे है तो वो भी आएगा आज घर। तो मिलते हैं अब आपसे बाद में। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया, 3 बज गए और अभी मैं बना रही हूँ पीछे दादा के लिए चाय। और आज दादा जल्दी आ गए थे, आज दादा दिन वाली बस में आ गए थे, 12 बजे बस जाती है ना, तो दादा आज उसमें आ गए थे तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और देखते फिर आज डिनर में क्या बनाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने आटा गूंद दिया है क्योंकि आटा थोड़ा सा रह गया था, तो मैं सोचा चलो गूंद के रखती हूँ। और मामू का कॉल आया था तो उनसे बात करते करते मेरा आटा भी गूंद लिया मैंने। चलो अब इसको निकालते हैं इसके लिए और फिर डालेंगे इसको इसमें। ये हमारा आटे स्टोर करने वाला बॉक्स है, ठंडा हुआ ठंडा। मेरे एक काम हो गया, डबरा धोते। एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है, 5 बजने वाले और ये धूप जा ही नहीं रही, पता नहीं कब जाएगी यार। और मतलब बाहर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, जब तक धूप नहीं जाएगी तब तक तो बाहर खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा। यहाँ तक तो छाए हो गए पर इधर उधर धूप 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 धूप। तो मैं सोच रही हूँ जितनी देर तक धूप रहेगी उतनी देर तक मैं कपड़ों पर प्रेस कर लेती हूँ जो मैंने धोया है सुबह के। तो चलो अंदर और देखो मेरे यहाँ पर। तो ये थोड़े बहुत से कपड़े धोए हैं मैंने और मेरे को उस पर प्रेस करनी है। इसमें कहीं देखो मेरा वाइट सूट, इसमें ये देखो कॉटन का तो कैसा ख़राब हुआ है, तो उसमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी है मुझे। मैं सोचा प्रेस करके इसको फोल्ड करके रखूँगी। कीड़ी जिसके हाथ में दिन हो या रात हो, फोन फोन ही फोन है। और इसके और इसके पेपर लगे और ये पढ़ती लिखती तो है। कॉल आई थी हॉस्टल से, झूठ 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 झूठ। मामी देखो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी यहाँ पर और फोन नहीं चिपकी थी। देखो मामू अभी देखो, मामी देखिए बोला, मामी को तो फोन किया ही नहीं। यस, मैंने मामी को बोला पहले, मेरी शिकायत की मामी मुस्कान ने कुछ नहीं पढ़ा इसने, 2 दिन की छुट्टी थी। हाँ तूने यहाँ तो पढ़ना है नहीं। तो चलो कपड़े प्रेस करती हूँ, ये मुस्कान के कपड़े भी इनको भी प्रेस करती हूँ। चलो प्रेस करते हैं। और ये प्रेस बहुत लेट गर्म होती क्योंकि पुरानी प्रेस है ना, तो ये काफ़ी टाइम लगा था गर्म होने को। चलो करती हूँ प्रेस। यहाँ पर कर रही हूँ मैं चटनी बनाने की तैयारी। अबू को मतलब चटनी बहुत पसंद है, जब वो घर आने वाला था उसके 2 दिन पहले से बोलने लग गया था कि मम्मी दीदी को बोलना कि जब मैं घर आऊँगा तो मेरे लिए चटनी बनाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कच्ची चेरी और ये थोड़ा सा सेब एक दो और प्याज टमाटर थोड़ी सी गुट्ठी इतनी। चलो बनाते हैं चटनी।
तो अभी टाइम हो गया 6:30 का और आज मैंने गोभी में पानी जल्दी डाल दिया था और देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई और इसमें ना फिर से कीड़े लग गए। अभी 3-4 दिन पहले ही स्प्रे की थी और अब इसमें फिर से कीड़े लग गए, इसमें फिर से करनी पड़ेगी स्प्रे। और मम्मी भी आ गए बगीचे से, तो मम्मी अभी बाजार गया कुछ काम से और पापा भी, तो साथ में अबू को भी लेते हुए आएंगे और अबू भी पहुँच गया बाजार में। तो देखो कुछ इस तरह का है। और अभी ना शाम के इतनी अच्छी हवा चली होती है और मेरी दाल भी पक गई है। टमाटर नहीं बचा था, टमाटर एक ही था जो मैंने चटनी में डाला, और अभी मम्मी टमाटर भी लेके आएंगी साथ में। फिर चलो मिलते हैं आपसे बाद में। और अब आजकल ना हमारी प्याज भी दिखने लगी, यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी प्याज हमने थोड़ी सी लाई थी हमने लाइक, और वहाँ लहसुन है चल पड़ती है। प्याज तो नहीं होती ना, प्याज तो बहुत कम होती क्योंकि हम लोग इसको सलाद में ही खाते हैं। मैं भी घर पहुँची और उतनी देर तक मम्मी वगैरह भी आ गए। बादल के पीछे दिख रहे लग गया ना कि गाड़ी आ गई, तो डुफ खड़ा हो जाता। देखो एक दिखता रहता है जब गाड़ी आती है ना, तो एक खड़ा हो जाता है कि हाँ हमारी गाड़ी आ गई, फिर दिखता रहेगा। और भाई कैसे बा कपड़े देख थोड़े के लिए देख लिया जैसे तू कपड़े ना दवा पर है। देखो जी फुल बैग लाया कपड़ों को भर के, दादी से गले मिल रहा है। तो टमाटर लेके आ गया मम्मी, मैं टमाटर काटती हूँ और देखते और क्या क्या लेके आए हैं। टमाटर है और मैंगो और पनीर भी लेके आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। मटर तो मैंने पका दिए, बस सब बनाएंगे हम दाल। सर आपको पानी, मेरी ग्रेवी बन गई है और यहाँ पर मैंने काटी है हरी मिर्च क्योंकि मम्मी लाल मिर्च नहीं खाते हैं। और ये मैंने पनीर कट कर दिया और अबू लेके आया चमचम, मेरा फेवरेट मीठा तो मेरे को बहुत पसंद है बहुत बहुत। और यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए भीगने के लिए। तो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं ना जैसे पनीर बनाती हूँ तो मैं पनीर को तलती नहीं हूँ, जैसे ग्रेवी बन गई तो ग्रेवी में ही डालती हूँ और फिर 2-3 मिनट तक ऐसे रखती हूँ, क्योंकि अगर इसको पनीर को तलते हैं ना फिर बहुत हैवी हो जाता है यार, सूखा या नहीं जाता, इसलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर कितना मस्त मौसम हुआ है, देखो मौसम नहीं मतलब बादल कितने अच्छे लग रहे हैं और हवा। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया 8:30 का और हमारा खाना वगैरह हो गया और अभी मैं खा रही थी आम जो कि ख़त्म हो चुका है, पर मैं इसकी गुठड़ी चबाने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। ये दिखा रही कि मेरे पास बच्चा हुआ है क्योंकि अभी देखिए फ़ोन में कपड़े मार दी थी। तो आज की इस वीडियो का यहीं करें, वीडियो शेयर की तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।